तुम लोग नहीं खाते क्या पिज्जा उज्जा? नहीं। क्यों? हम तो घर के सब्जियां खाते हैं। अच्छा, ये देखो ये क्या करेले हो रखे हैं, ककड़िया हो रखी है, लौकी हो रखी है, अच्छा कद्दू हो रखे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा आजकल ब्लॉग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैं अलग रह रही हूँ ना अभी, अलग कमरे में रह रही हूँ। यस, और इसका रीज़न ये है कि जो भी लोग आते हैं बार बार बेबी को टच नहीं करते हैं, और बेबी मम्मी के साथ बिल्कुल सेफ रहती है, और क्या बोलते हैं, सैनिटाइज नहीं करना पड़ता बार बार ना। हाँ। ऐसी कुछ होता है? हाँ। जो भी मम्मी और बेबी साथ और 11 दिन अलग रहते हैं उनकी पूरी केयर की जाती है, और राशि बिल्कुल बाहर आती है। क्यों? हाँ, मैं बाहर जाती हूँ। हाँ, लेकिन लोग अंदर नहीं जा सकते, मैं भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे माँ और बच्चा जो होता है बिल्कुल सेफ होते हैं। सैनिटाइज नहीं करते हम लोग दिल्ली उल्ली में, तो यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है कि डॉक्टर उक्टर पास में हो या हॉस्पिटल, तो ये सेफ होता है। तुम समझाओगे तो, मुझे तो समझाना नहीं आ रहा। सेफ इसलिए होता है क्योंकि हम कोई बाहर का इंसान ना किसी को नहीं छू सकता, और ना मैं किसी को छू सकती हूँ। मैं भी नहीं छू सकती और बाहर वाले मुझे नहीं छू सकते, और इससे बीमारियां जो लगने का डर होता है वो नहीं होता है। क्यों? हाँ, ना बिल्कुल सही ना। हाँ, बस 5 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग 7 दिन करेंगे इसको। हाँ, हम 7 ही दिन करेंगे। उसके बाद होगा नामकरण, द नामकरण, और हमने अभी तक काफी नाम सोचे हैं, लेकिन फाइनल क्या रखना है वो तो हम 7वें दिन ही बताएंगे। तो अभी कैसा फील कर रही हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक, अच्छा फील कर रही हूँ अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बेबी कैसा है? बेबी भी बिल्कुल दूध दूध पी रहा है। हाँ, है ना, बढ़िया से। और रो भी रही है आज। हाँ, बहुत रोई थी। हाँ, और बेबी बच्चे लोग रोते हैं और अच्छा होता है ये चीज। और हाँ, तो हम लोगों के लिए ब्लॉग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा बिजी हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। सो हमने, लेकिन राशि आपको बताएगी, हमने कब शूट किया था ब्लॉग? 1 हफ्ते पहले। हाँ, प्रेगनेंसी से 1 हफ्ते पहले। हाँ, जब बेबी नहीं हुआ था उससे 1 हफ्ते पहले। और वो क्या ब्लॉग है? वो ककड़ी का ब्लॉग है, उसमें हमने गढ़वाली लुक वो कर रखा है, मतलब गढ़वाली पहना है, सब कुछ धोती और नथ मांग टीका सब पहन रखा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग वो ब्लॉग साथ में देखते हैं, तो शुरू करें क्यों राशि? हाँ। तनु। हाँ। क्या कर रही हो? इतना क्यों शर्मा रही हो? अच्छा, मुझे ककड़िया खानी है। पक्का? हाँ, लेकिन ताजी ताजी। तो चलो फिर मैं ले जाती हूँ, मैंने देख रखी है एक जगह। कहाँ पर? नीचे है कहीं पे। कितनी ककड़ियाँ हैं? 5-6 ककड़ियाँ है, ताजी 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 ताजी। हाँ। लेकिन मैं तो घरिया नमक में खाऊंगा, घरिया लून हूँ ना। हाँ। बाण आंच। हाँ, चले अभी मैं राशि को ही बताऊंगा, ठीक है? हाँ। फिर कहाँ है बताओ फिर? नीचे। चलो, तो चलो दिखाओ रास्ता किधर से। ककड़िया चुराती होगी तुम? बाकी और तुम लोग क्या क्या खाते हो गाँव में? हम ककड़िया खाते हैं, और हम लोग भी, हमको तो यार मिलती नहीं है। आप लोग तो पिज्जा बर्गर खाते हो ना। पिज्जा बर्गर तो क्यों, तुम क्यों नहीं खाती हो? हम तो घर की ककड़िया खाते हैं। ककड़ी अगर खेत में ना मिले तो? तो दूसरों के खेत से लाते हैं। चुरा के? हाँ। चोरनी। तुम लोग नहीं खाते क्या पिज्जा उज्जा? नहीं। क्यों? हम तो घर की सब्जियाँ खाते हैं। अच्छा, ये देखो क्या करेले हो रखे हैं, ककड़िया हो रखी है। हाँ, लौकी हो रखी है। अच्छा, कद्दू हो रखे हैं। कद्दू या ची? अच्छा। तुम तो क्या खा रहे हो? पिज्जा मिज्जा? हम क्या चीज़ है? क्या तुम तो क्या खा रहे हो? पिज्जा या गढ़वाला मैं के खाए का रहा ना, ककड़ी लौकी। क्या बात है, मतलब पहाड़ों में शिफ्ट हो जाऊँ? हाँ, तो मुझे ये अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। हाँ, समझो शिफ्ट ही हो गया मैं। हाँ। तो कहाँ है ककड़ी? ककड़ी कहाँ है? ककड़ कक चे? इने ची। अच्छा। भेजी देखा एक ये री। अच्छा, वाव। एक ये री। कहाँ है? ये है। तो यहाँ पर दो हैं। हाँ, एक ये री। वाव। और एक ये भी री। हाँ, एक। और ये ताजी ताजी। ये चाहिए मुझे। चलो फिर तोड़ते हैं। तो कौन तोड़ेगा? आप। अच्छा, आप भी तो सीखो कुछ। अरे ककड़ी तोड़ना। ठीक है, तो मैं दो ककड़ी बहुत है। हाय भौजी जी।
ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं दादी, ये झीस, ये काले काले, ये सिर्फ गांव की पहाड़ों की ककड़ियों में मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो इसको लगलू बोलते हैं, लगलू हमारे उत्तराखंड में ये जो पौधा है इसे लगलू बोलते हैं, लगुल पेड़ नहीं बोलते। और मैं सबसे पहले इस ककड़ी के पेड़ को थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही खाली, हाँ कितनी तो खाली हमने, तो थैंक यू सो मच। और ये हमने एक तोड़ दी, तो तनु पकड़, बाहर तो नहीं उड़ू है बिल्कुल ना, ना पता भी नहीं। और ये मैंने तोड़ दी दूसरी ककड़ी, पकड़ो नहीं एक ना, कंडली ये कंडली साला पर से बट कंडली लगनी मिते, ये कंडली छ जहाज बस धक्का। अच्छा, और ये जो ककड़ी है ये बहुत छोटी है, ये लेकिन जो स्कूल के बच्चे जब हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे ना छठी सातवीं में, तो हम लोग ऐसी ककड़ियों को छोड़ते नहीं थे, क्योंकि ऐसी ककड़ियां जो होती है वो चलते चलते बड़ा मजा आता है खाने में। तो एक जरा पुरानी यादों को ताजा करते हुए हम लोग, कोई बात नहीं दादी, बैठते हुए लेकिन पेट में जल बैठ नहीं नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी होती छोटी ककड़ी है, तो इससे ये बड़ी मीठी होती है। तनु तुम दिखाओ, दादी बोल रही है कि दादी को एक गुदड़ी चाहिए, गुदड़ी तोरी जैसी होती है बट तोरी से कई अच्छी होती है। जिन लोगों को तोरी पसंद नहीं है ना, अगर वो गुदड़ी की सब्जी खाएंगे तो उनको बहुत अच्छी लगेगी, हाँ भात के साथ। तो दिखाओ दादी, तुम थोड़ा सा बोलो इस गुदड़ी के बारे में, तोड़ते हुए दिखाओ। अब जो हम इन ककड़ियों से जो रेसिपी आपको दिखाने वाले, आपने बिल्कुल खाई होगी मैं मानता हूँ, लेकिन जो हम पहाड़ों का नमक बनाएंगे ना, हरा नमक जिसको बोलता है, उसको देख करके अगर आपके मुंह में पानी ना आ गया तो अपना नाम चेंज कर देना। मजाक कर, चिरका कनी, हाँ चिरके, सो चिरका कनी। तो अब इनको हम धोते हैं, लेकिन अब तन्नू की ड्यूटी खत्म, दादी की खत्म, तो अब इनको राशि धोएगी इन ककड़ियों को, राशि नमक नमक पीसेगी। और तो चलो राशि से मिलते हैं, देखते हैं कि क्या तैयारी कर रखी है उसने। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। क्या बात है, क्या बात है। गुलाबंद, इसको तुम्हें पता है मैं आज क्या बोलो मैं तीन ककड़ियां लेके आया हूँ अभी अभी ताजी ताजी। अच्छा तो चलो हरा नमक बनाते हैं और खाते हैं फिर उनको। हाँ, हाँ, और कैसे बनाओगे? हरी मिर्च लेने जाएंगे खेत में हरी मिर्च, और बड़ी पास है ना हमारे। कैसी ककड़ी है? कैसी ककड़ी है? हरी पीली। तुम हरी तरह है। बहुत ही अच्छी, यस। मुझे एक गाना याद आ रहा है तुमको देख करके अभी। कौन सा? गाँव का ना। हाँ शर्म आ रही है अपनी आज के लिए गा रहे हो, क्या हो गया? तू दिखा दी जनी चुनली, तू दिखा दी जनी चुनली, सची तेरा सौ जब हुंदी चुई रूपा की पहली, तेरा नौ तेरा ओ तेरा रूप देखी की लोग जली गए ना, बोलिया बनी गए ना, लोग जली गए ना, बोलिया बनी गए। तू दिखा दी जनी चुनली, तू दिखा दी जनी चुनली, सची तेरा सौ जब हुंदी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है अविनाश और ये है मेरी वाइफ राशि, एंड ये जो छोटू को देख रहे हो ये है रुद्रांश। तो अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे
तो आपको सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो एक साइड में साइड में लेफ्ट साइड को एक लाल बटन दिख रहा होगा अगर आपको, तो उसको खचक दबा दो बस। तो चलो हम ककड़ी धोते हैं। जब आपके पास अगर धनिया ये सब चीजें नहीं हो तो कोई बात नहीं, हरा नमक बनाना बहुत ही आसान होता है। हरी मिर्च, उसमें वही मसाले नॉर्मल, कौन कौन से मसाले होते हैं, हल्दी, नमक और कोरिएंडर पाउडर, धनिया और लहसुन, लहसुन आप मिला सकते हो। जो भी आपके पास, अगर आपके पास धनिया है, पुदीना है, आप उसको डाल सकते हो। बट मैं ये बहुत सिंपल बना रहा हूँ, जैसे अगर किसी के पास नहीं होता पूरा सामान तो वो भी बना सकता है हरा नमक। क्या बन रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं ककड़ी का चीरा करके सैलेड। सैलेड? हाँ, खाओगे? हाँ। और कप्पो दादी आप कहाँ थी? अरे मैं तो आजकल भूल गया, यहाँ आने रास्ते भूल गया। क्यों? पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, कि मैं मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो आज मैंने तीन ककड़ियां तोड़ी है। कहाँ से? ताजी ताजी, मेरे खेत से। खेत से? हाँ दादी, आपके खेत में भी आऊंगा मैं। हाँ अभी तो छोटे छोटे खीरा है, इतना इतना, जब ककड़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी ना तब आना। पर मुझे पता है, मुझे पता है आपके खेत में है ककड़ी। ककड़ी नहीं नहीं अभी छोटी छोटी है। झूठ झूठ। नहीं नहीं। मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। चचकोरादार बन गया, सब्जी बन गया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। तो हमारी ककड़ी बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है, कट गई है और हमने उस पे हरा नमक भी लगा दिया है। तो ककड़ी खाने का मजा कब होता है? धूप में, जब पहाड़ी लोग काम करके आते हैं दिहाड़ी से और स्कूलों से, घास काट के मार्केट से, तो सीधा हाँ खेतों से उसी वक्त ककड़ी काटते हैं और खाते हैं। ये पानी की प्यास तो बुझाता ही है, ऊपर से आपको और भी ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। तो तभी देखो इनके गाल कितने लाल लाल हैं। अब मैं तो शहर से होकर के आया हूँ तो अभी मैं काला दिख रहा हूँगा। सो मेरा तो भाई पानी आ रहा है मुँह में। आप लोगों के लिए हमने कब से
रोक रखा अपने आप को। तो सबसे पहले मैं तनु ने मेहनत करी थी, तो तनु तुम टेस्ट करो। चलो, ककड़ी का स्वाद तो आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन तनु आज पहली बार बताएगी ककड़ी का स्वाद कैसे हो रहा है। ठीक है, हाँ चलो खाओ खाओ। कैसे हो रहा है, है? बताओ कैसे हो रहा है। अच्छा अच्छा, कितना नमक कैसा है? बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है। अब चलो राशि, तुम भी खाओ, तुमने मेहनत करी है। पहले आप खाओ ना, हैं? इसे तोड़ो ना। यस, लो उसने वो पहन रखी ना नथ, हम मुझे भी चखाओ। मजा, पापा और भी हैं, दादी भी है, मजा ही चीज है, असली चीज है तो, बिल्कुल प्योर। तीन चार ककड़ हम ले चौक में, तब सब चौक मिल गए दही और ककड़ी खाए। अरे फिर आ गए दिन, पुरानी याद दिला दिया, बहुत पुरानी याद। अरे क्या बात है, कैसे हो रहा नमक? बहुत मस्त है ना, बहुत स्वादिष्ट। तजी ककड़ी मतलब बिना दांत के भी खाई जाती है ना? हाँ। वैसे हैं दांत आगे क्या आपके? ज्यादा से नहीं पीते। आप बताओ, बढ़िया पानी बहुत है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुंगी। कुछ बोलना चाहोगे ककड़ी के? ककड़ी के लिए बहुत अच्छी हो रही है ककड़ी। अच्छा, पबजी बंद हो गया? हाँ। क्या करेगा? कुछ और गेम खेलूंगा। रुद्रांश आराम से खा के दिखाओ, कैसा हो रहा है? अच्छा। अच्छा। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग जो हमने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनाया था, मेहनत से नहीं प्यार से, आपको जरूर पसंद आया होगा। सो अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे, सो आपको क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, तो दादी बोलेगी बढ़िया तरीके से, अगर आप लोग नए हो दादी। हाँ तभी। हाँ, अगर आप लोग नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पुराने हैं तो? अब पुराने हो तो मत करना, क्योंकि ऑलरेडी कर रखा है आप लोगों ने। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और हम लोग भी आपको इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे। दूर है बट दिल से जुड़े हुए हैं ना। सो थैंक यू सो मच। सो देखो कितनी मेहनत करी है तनु ने भी। तनु, कुछ लोग नंबर मांगते तुम्हारा, ऐसे बोलो मैं दसवीं पढ़ रही हूँ और बोलो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। बोलो बोलो, पढ़ाई कर रही हूँ, बोलो ना। फोन पे टाइम नहीं, बोलो मेरे पास, बोलो फोन पे टाइम नहीं। मैं अभी दसवीं पढ़ती हूँ और मेरे को भी पढ़ना है, मेरे पास फोन नहीं है। और अभी भैया मैं छोटी हूँ, आप सब लोग मेरे भैया हो। सो सुन लिया आप लोग? अभी देखो चुन्नू भी आ गया नीचे। यस मेरे चुन्नू, ये मैंने, ये किसी ने पाला हुआ नहीं है, गांव की बिल्ली है, लेकिन मैं इसको दूध देता हूँ और ये हमेशा मेरे साथ रहता है। चुन्नू है, मैं सोच रहा हूँ चुन्नू के साथ एक ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि चुन्नू को जब मैं दूध देता हूँ ना, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है इसके अंदर। म्याऊं म्याऊं लगा रहता है और बहुत प्यार करता है मुझसे। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हो और आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, चुन्नू भी। तो आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही हंसते रहिए। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ।